हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जयपुर में एक ऐसी जगह दिखाने वाली हूँ जो बहुत ही अच्छी है। तो ये जो मैं जगह की बात कर रही हूँ उसका नाम है तारा मंदिर। तो तारा मंदिर स्टेच्यू सर्किल के सामने जस्ट है, तो BM बिरला साइंस है। तो ये यहाँ पर आपको तारा मंडल का पूरा व्यू मैं आपको दिखाऊंगी, कैसे जाना है, इसमें कितनी टिकट लगती है, कितने घंटे का शो है। तो जैसे ही हमने यहाँ से एंट्री की है, तो एंट्री के बाद इधर पार्किंग की सुविधा भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, और पार्किंग पार्किंग की सुविधा में आपको बिल्कुल फ्री है। और आप देख सकते हो बहुत बड़ा है, लेकिन जो ये आपको मैं लोकेशन दिखा रहा हूँ, जस्ट यहाँ पर ये वाला जो आप देख रहे हो वही है तारा मंडल। दोस्तों यहाँ पर जो हम टिकट लेंगे तो यहाँ पर पर्सन 80 रुपीज़ है, तो आप छोटे हो या बड़े यहाँ पे 80 रुपीज़ की टिकट लगेगी। लेकिन यहाँ पर आपको एक खास बात बता दूँ, और यहाँ आपको यहाँ से कैश पेमेंट नहीं लिया जाएगा, आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब शो शुरू होने से पहले तो आपसे टिकट खरीद ले सकते हो आप पर, लेकिन आपको अंडर एंट्री टिकट का जो टाइमिंग होता है, शो का जो टाइमिंग होता है, तभी आपको एंट्री मिलेगी। तो टिकट हमें पहले ही लेनी पड़ेगी। हमारा जो ये शो होता है वो 1 घंटे का होता है, तो हमने 3 बजे की टिकट ले रखी थी। तो 3 बजे से 4 बजे का हमारा शो है, तो अब जो 3 बज गया है, तो यहाँ से हमें पहले टिकट को चेक करवाना पड़ेगा, और फिर आप अंदर का पूरा विजुअल देख सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने एलियंस के बारे में, आपको ये रॉकेट है उसके बारे में जानकारी है। तो आपको एक 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 करके सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको इसमें जो आपको पूरी डिटेल चाहिए, तो आप यहाँ पे स्टॉप करके पूरी लाइन्स को आप पढ़ सकते हो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप बच्चों को अगर ला रहे हो, तो बच्चों के लिए सीखने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप एक एक चीज़ों को यहाँ पे स्विच ऑन करके देख सकते हो और यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो पढ़ने के लिए आप इन टाइटल को अच्छे से जूम करके, आप स्टॉप करके वीडियो को और देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा ऐसा स्विच ऑन करने के बाद ऐसे घूमता है, और अंदर की तरफ आप देख सकते हो कि किस तरह वो स्टॉप होता है और कैसे घूमता है ये। तो आपको आप थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो जो वेकेशन वगैरह होते हैं, तब यहाँ पे बच्चों को सीखने के लिए, समझाने के लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो आप यहाँ पर ज़रूर आए, और अपने आपने नहीं देखा तो तारामंडल को ज़रूर देखें। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो अंतरिक्ष में गए हैं लोग, और कल्पना चावला को तो सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, तो ये सभी उन बड़े दिग्गजों के यहाँ पर फोटोज़ लगी हुई है। तो जो जो अंतरिक्ष में गए हैं उनको, तो आप एक एक को थोड़ा सा जूम करके देखोगे, सारी डिटेल यहाँ पे, पूरा सौर मंडल और सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पर आपको एक एक चीज़ की डिटेल्स मिल जाएगी जो हमारे अंतरिक्ष में है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। आगे मैं आपको ये बताऊं कि ये जो पत्थर है वो वहाँ अंतरिक्ष से हमें नीचे गिरा हुआ मिला हुआ है। तो आप इस पत्थर को देखोगे तो आपको देखेगा कि अपने जो ज़मीन में पत्थर होते हैं उसी टाइप का है, लेकिन आप यहाँ पे पूरी डिटेल पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। 20 जून 1996 में यहाँ पर यह पत्थर गिरा हुआ था राजस्थान पानी में। तो ये जो बड़ा तारा मंडल है, BM बिरला ने ये बनाया हुआ है। तो ये जो यहाँ पर आपकी सिस्टम, जो जो भी सारी चीज़ें हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और अंतरिक्ष में जो जाते हैं उसका जो कॉस्ट्यूम होता है वो इस तरह का होता है। तो यहाँ पे ये ओरिजिनल कॉस्ट्यूम यहाँ पे शो किया गया है, ताकि आप देख सको यहाँ से। तो आप इसको देखोगे तो आपको ये ऐसा दिखेगा।
यहाँ पर आपको बताऊं कि ये पूरा ब्रह्मांड है जो अपने गैलेक्सी है वो यहाँ पर बताई गई है कि हमारी जो गैलेक्सी हो किस तरह की है। तो एक एक चीज़ यहाँ पे जो भी ग्रह है वो सारी चीज़ें बताई है, कौन सा ग्रह कौन सी जगह पर है वो भी इसमें सारा दिखाया गया है। तो आप यहाँ से सारी चीज़ें नोट कर सकते हो। थोड़ा सा आगे जाके हमने देखा तो मुझे एक मिरर मिला। तो ये शीशा एक इस तरह से का है कि आप इसके चारों तरफ आईने लगे हुए हैं, लेकिन आप जिस भी दिशा में जाओगे आपको अलग दिखेगा। कि जैसे मैं अभी यहाँ पर सामने हूँ तो ऊपर इतना अच्छे से इसकी सीढ़ी दिख रही हूँ, तो नीचे से उल्टा दिख रहा है। जैसे ही मैं वापस दूसरी तरफ घूमे तो यहाँ पर एकदम से अलग तरीके से दिख रहा है, और दूसरी साइड में अगर देख रहे तो बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। मिरर एक ही है लेकिन इसमें दो चीज़ें दिखाई जा रही है। और वैसे ही वापस मैं पलट के तीसरी जगह पे मैंने देखा तो यहाँ बहुत सारे कांच लगे हुए थे जिसमें हम एक ही पोजीशन में सभी में एक साथ ही दिख रहे हैं। तो आप इसमें आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इतने अच्छे से मुझे देखने में मजा आ रहा था कि कितना अच्छे से यहाँ पे ये सब बनाए गए हुए हैं। तो अब हम देखेंगे शो हमारा स्टार्ट होने वाला है। हमारा 3 बजे का शो था तो वो स्टार्ट हो गया। तो आगे का विजुअल मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो आप यहाँ से पहले एंट्री करोगे और यहाँ पर आपको जैसे सिनेमा हॉल में आप मूवी देखते हो बिल्कुल वैसा ही आपको यहाँ पे व्यू देखने को मिलेगा। तो यहाँ बीच में बड़े से ये जो हम अंतरिक्ष के बारे में गैलेक्सी के बारे में जानेंगे वो यहाँ पे जो मशीनें लगाई हुई है वो यहाँ से आपको दिखेगी। तो हम पहले यहाँ पे सीट पे बैठ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे वीडियो वगैरह बनाना मना था, लेकिन अगर आप एंट्री कर रहे हो तब आप बना सकते हो। चालू होने के बाद आपके मोबाइल को साइलेंट कर दिया जाता है और वीडियो बनाना बिल्कुल ही अलाउड नहीं करते। फिर भी हमने थोड़ा बहुत मैंने सोचा आपको विजुअल दिखा देती हूँ, तो वही विजुअल आप थोड़ा सा इसमें देख सकते हो। जेमिनी साउथ टेलीस्कोप और यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी, दूसरी ओर हवाई मोनाकिया में जेमिनी नॉर्थ व 10 मीटर चौड़े जुड़वे केक टेलीस्कोप्स। आधुनिक तकनीक व विज्ञान के अमेरिका नासा गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर, यहाँ आज तक की सबसे बड़ी एक अंतरिक्षीय दूरबीन मूर्त रूप ले रही है। हबल से भी 3.5 गुना बड़ा है इसका दर्पण। 25 वर्ग मीटर क्षेत्र में पसरा और हबल से 7 गुना ज्यादा शक्तिशाली एक तकनीकी करिश्मा है इसकी बनावट। सोने की चमकीली परत चढ़ी हुई 18 षटकोणीय छोटे छोटे दर्पणों को एक साथ सटाकर इस दैत्याकार दर्पण को अंजाम दिया जा रहा है। यह है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। एक 3 मंजिला इमारत जितनी ऊंची इस दूरबीन को रॉकेट की चोटी पर बैठाकर अंतरिक्ष में भेजने के लिए इसे मोड़ा और फैलाया जा सकता है। यह है धरती और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के आपसी खींचतान का नतीजा। पृथ्वी के कक्षापथ के चारों ओर 5 ऐसे बिंदु अस्तित्व में आ जाते हैं जहां पर पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को काटता। पृथ्वी व चंद्रमा का चक्कर काट रहे किसी भी अंतरिक्ष यान को इनकी घनी अंधेरी व लंबी परछाइयों से 2-4 होना पड़ता है। कुछ देर के लिए ही सही ये परछाइयां इस ऊर्जा स्रोत में बाधा पहुंचाती है। भारी भरकम चार्ज्ड बैटरियां इस दौरान यानों के ऊर्जा स्रोत को बनाए रखती हैं। 15 लाख किलोमीटर दूर L2 लैग्रेंजियन पॉइंट पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को ऐसी किन्हीं बैटरियों की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा की छाया यहां तक पहुंच ही नहीं पाती। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाता अगर मैं अंतरिक्ष का अंदर का पूरा जो आपको दिखा रही थी
तो पूरा ब्रह्मांड देखने में आपको 1 घंटे का वीडियो तो मैं शो नहीं कर सकती थी। तो जैसे ही 1 घंटा ख़त्म हो गया फिर हम आ गए बाहर और फिर वापस हमने थोड़ा सा वीडियो वगैरह शूट किया। और आपको एक ख़ास बात बता दो, अगर आप यहाँ पर इंजॉय के हिसाब से आ रहे हो तो आप बिल्कुल यहाँ पर मत आना, लेकिन आप अपने बच्चों को और अगर आपको थोड़ा नॉलेज चाहिए तो आप यहाँ पर आ के थोड़ा बहुत ब्रह्मांड के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में, सूर्यमंडल के बारे में आप यहाँ से ज्ञान ले सकते हो। लेकिन आप सोचोगे कि अगर हम यहाँ वहाँ तारा मंडल जाके हमें इंजॉयमेंट मिलेगा, तो ये आप गलत सोच रहे हो। तो मैं आपको ये एडवाइस दे रही हूँ कि अगर आप इंजॉयमेंट के हिसाब से आ रहे हो तो यहाँ पे मत आना। आपको ये यहाँ पे 3 जो आपको कप दिख रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हो कि आपको इसमें क्या चीज़ देख रही है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने आपको दिखा दी है जितना मेरे से हो सका है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना, आपको जानकारी कैसी लगी। दोस्तों 1 घंटे का शो था, हमने अच्छे से इंजॉय किया क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे तो बच्चों को ये जानकारी मिली तो अच्छा लगा। और फिर हम बाहर की साइड निकल गए। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों कि हम यहाँ पर आज हमारी एनिवर्सरी थी तो हमने सोचा कि आज बच्चों का भी थोड़ा इंजॉयमेंट हो जाएगा और हम दूसरी जगह पर भी जाएंगे तो उसका वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना।